हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। दिस इज चंदन पंडित एंड आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है ये समझते हैं कि एक फंक्शन है एफ जेड जो कि क्या दिया हुआ है, एनालिटिक है। ये गिवन है कि एनालिटिक है विद इन ए सर्कल सी जिसका कि सेंटर क्या है ए है और रेडियस क्या है कैपिटल आर है। ठीक है, फंक्शन एनालिटिक है तो उस सर्कल के सारे पॉइंट के लिए फॉर एवरी पॉइंट ऑफ सी एफ जेड को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पावर सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसका है, ये पावर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग पावर सीरीज के रूप में उसे लिख सकते हैं एफ जेड को, और जहाँ पे ए एन क्या है, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एंड द वैल्यू इज ए हियर, तो एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो ये हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ काफ़ी ईजिली हम लोग करेंगे इसे। क्या कि मैंने कि एक सर्कल है सी, सबसे पहले तो वो ड्रॉ करते हैं। लेट अस अज्यूम दिस इज ए सर्कल, ओके, और इसका सेंटर क्या दिया हुआ है, दिस इज सेंटर ए है, और ये जो रेडियस है ये क्या है कैपिटल आर, दिस इज गिवन। हम लोग क्या करते हैं, इसके विद इन और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और लेट्स से दिस इज गामा, दिस इज गामा, और ये जो रेडियस है इसे मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, और ये जो रेडियस था ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना दिया हुआ था, दिस इज कैपिटल आर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं जेड इस सी में, और जेड को ऐसे लेते हैं इस सर्कल के अंदर ले लेते हैं। लाइक सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन लेते हैं, लेट एफ ऑफ ओमेगा बी एन एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक फंक्शन इन सर्कल सी। सर्कल सी में क्या किया, एक एनालिटिक फंक्शन हम लोग ले लिए जिसका कि इक्वेशन क्या है, हुज इक्वेशन इज, ये जो सर्कल होगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन ओमेगा के रूप में ओमेगा माइनस ए इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, एंड लेट जेड बी एनी पॉइंट सच दैट, हम लोग एक जेड ऐसा सेलेक्ट करें कि मॉड जेड माइनस ए जो हो वो क्या हो जाए, स्मॉल आर हो जाए, विच इज लेस देन कैपिटल आर। तो ये जो हम लोग जेड माइनस ए स्मॉल आर है उसी सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ किए और उसे क्या नाम दे दिया, गामा, जैसे गामा सर्कल। ठीक है, तो हम लोग जेड कहाँ से ले रहे हैं, इस जगह से ले रहे हैं, इस सर्कल के अंदर से ले रहे हैं, और एफ ओमेगा क्या है, इस पूरे सी के अंदर का कोई एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक दिया हुआ है। ठीक है, ओके, नाउ बाय कूसी इंटीग्रल फॉर्मूला, नाउ बाय कूसी इंटीग्रल फॉर्मूला, हम लोग लास्ट लेक्चर में कोसी इंटीग्रल फार्मूला का प्रूफ देख चुके हैं। तो अगर आप कोसी इंटीग्रल फार्मूला का प्रूफ देखना है तो आप कार्ड पर दिया हुआ लिंक पे जा सकते हैं। ठीक है, तो कोसी इंटीग्रल फार्मूला अगर हम लोग देखें तो एफ जेड, जेड यहाँ पे क्या पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो एफ जेड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस जेड डी जेड। ये कहाँ से आया, तो ये कोसी इंटीग्रल फार्मूला का यही स्टेटमेंट होता है। ओके, या अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग इसमें 1/2πi इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ ओमेगा अपॉन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओमेगा ये जो सेंटर है उसे माइनस कर रहे हैं, माइनस ए माइनस जेड माइनस ए हम लोग लिख रहे हैं, लिख सकते हैं क्योंकि ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा माइनस ए माइनस जेड माइनस ए लिखे। ओके, दिस इज 1/2πi इंटीग्रेशन गामा। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम लोग ओमेगा माइनस ए को हम लोग कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ से अगर ओमेगा माइनस ए को कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 1 - z - a अपॉन ओमेगा माइनस ए डी जेड। ठीक है, अगर हमको इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस ए, और इस चीज़ को लिखेंगे हम लोग 1 - z - a अपॉन ओमेगा माइनस ए टू द पावर -1 ऑफ डी ऑफ ओमेगा। सॉरी, ये तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती किया, ये जेड नहीं होगा, ये ओमेगा होगा क्योंकि फंक्शन तो ओमेगा के फॉर्म में है ना। ओके, तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सपेंशन यूज करेंगे। हम लोग जानते हुए फॉर्मूला कि 1 - x - 1 क्या होता है, जैसे 1 + x + x² एंड अप टू सो ऑन
अप टू इनफिनाइट वैल्यू तक ये जाता है। तो ये जो फॉर्मूला ये यहाँ पे यूज करते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस ए, और इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस क्या है एक्स है, तो एक्स की जगह क्या है ये जेड माइनस ए पूरा है, जेड माइनस ए अपॉन ओमेगा माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन ओमेगा माइनस ए स्क्वायर एंड सो ऑन। ये अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और इसके बाद क्या है यहाँ पे डी ऑफ ओमेगा है, ठीक है, क्या किया एक्सपेंशन यूज कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये जो सीरीज है अगर इसे देखें तो ये एक जियोमेट्रिक सीरीज होता है, और ये कब कन्वर्ज करता है, जब इसका जो कॉमन रेशियो है, इसका कॉमन रेशियो क्या है तो जेड माइनस ए अपॉन ओमेगा माइनस ए, ये क्या हो जाए लेस देन वन हो जाए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मॉड जेड माइनस ए लेस देन होना चाहिए ओमेगा माइनस ए, तो जेड माइनस ए का वैल्यू कितना है स्मॉल आर है, दिस इज लेस देन आर, तो ये जो कंडीशन हम लोग लिए हैं इसके लिए ये वैलिड होगा और ये सीरीज क्या होगा कन्वर्ज करेगा, ये सीरीज क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं ये जो इंटीग्रेशन है इसे अलग अलग सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2πi इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस ए डी ओमेगा, ठीक है, पहले से फिर दूसरे से करते हैं अगर, ये हो जाएगा 1/2πi इंटीग्रेशन गामा जेड माइनस ए एफ ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस ए स्क्वायर डी ओमेगा प्लस 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर गामा जैसे जेड माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस ए क्यूब डी ओमेगा एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है, क्या किया हम लोग अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे कूसी इंटीग्रल फार्मूला, फिर से यहाँ पे ये जो कूसी इंटीग्रल फार्मूला किया फिर से कूसी इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव का करेंगे यूजिंग सॉरी कूसी इंटीग्रल फार्मूला ये क्या होगा, दिस इज एफ एन लेट्स से ए इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू आता है 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन डी जेड, और यहाँ पे भी आता है एन फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये वैल्यू आता है एफ टू द पावर एन ए मीन्स डेरिवेटिव के टर्म में अगर देखें। तो अब हम लोग क्या करें इसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए लिए हम लोग, बट यहाँ पे जो पॉइंट है मेरा वो क्या है जेड, एक पॉइंट है जेड मेरा एक अलग पॉइंट है। तो यहाँ पे देखें अगर ओमेगा माइनस ए दिया हुआ है, जेड माइनस ए की जगह ओमेगा माइनस ए है, टू द पावर यहाँ पे कितना एन प्लस वन है, तो यहाँ पे वन है तो एन का वैल्यू कितना है जीरो है इस बार, तो अगर इसका वैल्यू देखें तो एफ जेड से एफ जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा दिस इज एफ ऑफ ए, ये क्या आ गया एफ ऑफ ए आ गया। सेकेंड केस में देखते हैं यहाँ पे क्या है एन का वैल्यू, ये ओमेगा माइनस ए का स्क्वायर मीन्स एन इज इक्वल्स टू वन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डैस ए आ जाएगा एफ डैस ए, लेकिन ये जो जेड माइनस ए ये है ये भी तो कोई कांस्टेंट टर्म है, जेड माइनस ए कांस्टेंट है एफ डैस ए आ गया, और ये जो एन फैक्टोरियल है उसका भी फैक्टोरियल वन आएगा। यहाँ पे देखें तो जेड माइनस ए का स्क्वायर क्या है मेरा कॉमन आएगा, और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है टू है, तो एफ डबल डैस ए अपॉन फैक्टोरियल टू एंड ऐसे सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या किए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसे यहाँ पे यूज कर दिया, ये जो जेड माइनस ए है यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो ओमेगा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जेड माइनस ए क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर ला सकते हैं। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए 1/2πi इंटीग्रेशन एंड दिस वैल्यू, तो ये जो एन फैक्टोरियल उसे हम लोग इधर डिवाइड कर सकते हैं ना, ये जो एन फैक्टोरियल इस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो इस पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है वन है, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है टू है, वो बस पुट करते जा रहे हैं। ओके, तो इसे हम लोग मान लेते हैं, इसे हम लोग बोलते थे ए नॉट, इसे बोल देते हैं ए वन, इसे बोलते हैं ए टू एंड सो ऑन, वेयर ए एन का जो वैल्यू देंगे वो क्या हो जाएगा इसे एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन, एन का जो वैल्यू वन था तो एफ डैस ए अपॉन फैक्टोरियल वन, टू था तो ये जीरो था तो ये, तो सो ऑन।
तो यहाँ से मुझे एफ जेड जो मिल गया उसे अगर हम लोग सीरीज फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो गया एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनाइट ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन, इस फॉर्म में आ गया। और जहाँ पे ए एन का वैल्यू क्या है, दिस इज एफ टू द पावर एन ए फैक्टोरियल एन। और टेलर सीरीज इसी रिप्रेजेंटेशन का तो बात कर रहा है कि हम लोग कोई भी सीरीज अगर एफ जेड एनालिटिक है तो उसे पावर सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग करते हैं पावर सीरीज के रूप में। बट यहाँ पे एक चीज़ और ये नोटिस करना है कि वो जो सीरीज कन्वर्ज तब कर रहा था जब दिस मॉड जेड माइनस ए ओमेगा माइनस ए दिस इज लेस देन वन है, मीन्स मॉड जेड माइनस ए लेस देन मॉड ओमेगा माइनस ए है। तो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि उसका जो कॉमन रेशियो है वो ऑलवेज क्या हो जाए, लेस देन वन आए। ठीक है, तो जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे इस पे बेस्ड तब इस चीज़ के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, लॉरेंट सीरीज का प्रूफ देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।